सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जहां के हल्के पीएस 114 में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। पीटीआई की जाने से चुनावी रैली को एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों ने रोकने की कोशिश की है, जिसके बाद दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए हैं। आपको बता रहे हैं कराची के हल्का पीएस 114 में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से चुनावी रैली को एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों ने रोकने की कोशिश की। मजीद जानिए अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अब सूरत हाल क्या है? जिसकी कयादत श्याम अहमद कुरैशी ने की, जैसे ही रैली रवाना दवा होने लगी तो रास्ते में एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान ने रैली को रोकने की कोशिश की और शदीद नारेबाजी की गई। उसके जवाब से पीटीआई के कारकुनों ने भी नारेबाजी की और आपस में गुत्थम गुस्सा भी होने लगे, लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं ने इनके कारकुनों को खामोश करवाया और पीटीआई की रैली अपने मंजिल पर रवाना दवा होने लगी। इस सूरत हाल में पीटीआई के कारकुनान भी आपस में भी लड़ने लगे, काफी माहौल लगभग सब खराब होने लगा है अब। लेकिन पीटीआई की रैली जिसे पहुंच चुकी है और वो महमूदाबाद पहुंचेगी, जहां पर शाम में कुरैशी वहां पर खिताब करेंगे रैली से। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका।